हजारीबाग का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है, आप देख सकते हैं संख्या ये करीब सभी बेंच जो है, सभी जो बनाया गया है बैठने के लिए काफ़ी फुल है। विद्यार्थी काफ़ी मन लगाई कर रहे हैं। चलिए विद्यार्थियों से भी मिलवाते हैं और इधर बात कर लेते हैं। मैम जरा थोड़ा सा इधर, मैम सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। दूंगा, क्या नाम हुआ आपका? सोनाली। सबसे पढ़ाई रुक से पूछे, मेरे लेट हो रहा है। ओके ओके, थोड़ा सा इधर मिल लेते हैं मैम, थोड़ा सा। नहीं बिल्कुल नहीं, लो देखिए लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं ऐसा इस वजह से क्योंकि पढ़ाई में पूरा मन लगा कर पढ़ रहे हैं। हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, अब निकल जाते हैं यहाँ से, कुछ ये माहौल है यहाँ का। आइए अब लाइब्रेरी ओनर से बात करते हैं, आपको बताएंगे यहाँ का स्पेसिफिसिटी और यहाँ के बारे में। अभी शाम का टाइम है, अभी कई लोग जो है विद्यार्थी पढ़ करके जो है सो जा ही रहे हैं, इसी वजह से कई कुछ आपको खाली भी दिख रहा होगा। तो आइए लाइब्रेरी के ऑनर से भी बात करते हैं। सर सबसे पहले आप हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। सबसे पहले बात करें हम इस लाइब्रेरी का, तो लाइब्रेरी का अभी जो है क्या माहौल है, क्या विद्यार्थियों का कैसा अभी देखने को मिल रहा है कि सर कैसे समर्पण? देखिए, जब से हम ऑफर दिए तब से लाइब्रेरी का माहौल थोड़ा सा अच्छा है। और ये हम झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, सचिवालय, एसएससी जीडी और ये सचिवालय को देखते हुए हम लाइब्रेरी का ऑफर जब से छोड़े हैं तब से जितना भीड़ देखें बहुत ज़्यादा है, पहले से बेटर है। हाँ, और ये झारखंड पुलिस का जो वैकेंसी आया है तो क्या मतलब विद्यार्थियों के अंदर एक अलग जुनून दिखने को देखने को मिल रहा है ऐसा है? थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, मतलब वैसा नहीं जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ के जो सिलेबस है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कतें आज पैदा कर रही हैं। विद्यार्थी काफी इससे निराश, इससे आप लोग का भी आभास होता है? बिल्कुल बिल्कुल जी, कहीं ना कहीं विद्यार्थी काफी निराश भी हैं और कई लोग ऐसे भी हैं कि उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी सिलेबस, इतना मतलब बेरोजगारी है तो कोई भी सिलेबस दे दो तो ये पढ़ने को तैयार बिल्कुल, अभी ऐसा स्थिति आ गया है कि अभी कुछ भी तैयारी करने तैयार है, कुछ भी भी सिलेबस दे दो। जो अभी जहाँ तक हो पाता है जो फॉर्म आता है सब फॉर्म डाले, 4 साल से यहाँ दे रहे झारखंड इसमें, झारखंड में कोई वैकेंसी मतलब एग्जाम ही क्लियर नहीं कर पा रहा, तो जो आ रहा है उसमें मतलब फॉर्म मतलब फिलअप करना स्टार्ट कर देगा। चलो, और मेहनत अभी से पूरा लाइब्रेरी फुल चल रहा है फुल, सुबह से शाम तक? हाँ सुबह से शाम तक, सुबह मॉर्निंग 6 बजे से रात 10 बजे तक। तो अभी कई कुर्सी खाली है ऐसा? अभी इसलिए खाली क्योंकि अभी मतलब ऑफर छोड़े जब से तब मतलब धीरे धीरे मतलब भर रहा है, लेकिन अभी काफ़ी सीट खाली है अभी भी। ऐसा कि शाम का समय है, लोग पढ़ पढ़ के जा रहे हैं बिल्कुल, तो ये कुछ रहा अभी जैसे कि मैंने दस पहले से भी छः बताया। बजे तक पूरा फुल रहता है, हाँ 10 से 6 बजे तक पूरा फुल रहता है, क्योंकि क्योंकि शाम होता है तो शाम में बहुत ठंडा का टाइम भी है, तो बहुत कोई मतलब ज़्यादा पढ़ना ना कुछ ना सोचता, घर के अंदर ही पढ़े, इसलिए अभी टाइम ज़्यादा नहीं है। मतलब फिर भी काफी समय दे रहे हैं विद्यार्थी मतलब लाइब्रेरी दस में, से अगर 10 से 10 से आप 6 आइएगा तो उसमें एक भी सीट आपको खाली नहीं मिलेगा, मतलब देख सकते हैं काफी छः समय से क्या छः होता से है। हाँ 6 से 10 से कुछ सीट खाली मिलेगा, और सुबह कुछ सीट खाली, मतलब 6 से 10 पूरा फुल रहेगा। चलिए तो इस लाइब्रेरी का जरा सा आप एड्रेस बता दीजिए लाइब्रेरी मालिक है सर, थोड़ा लाइब्रेरी का एड्रेस बता दीजिए, जो विद्यार्थी आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपका ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए सुविधा हो जाए। ये, आनंदा चौक कैनरा बैंक कैंपस 2nd फ्लोर, गौतम बुक एजुकेशन लाइब्रेरी है ना, ये आपका यही एड्रेस है। तो देखिए काफी विद्यार्थी मेहनत करने का तो कर रहे हैं, ये रहे लाइब्रेरी का ऑनर, और काफी ध्यान पूर्वक पढ़ाई करते हैं, लेकिन उस प्रकार यहाँ का सरकार जो है, यहाँ का जो कह सकते हैं कि कार्यपालिका के लोग बैठे हैं कार्य नहीं करते हैं, और इनके भविष्य को लेकर के बहुत चिंताजनक बात है, और लगातार वैकेंसी नहीं आती है, आती है तो ध्यान नहीं होता, जैसा कि आप लोग विद्यार्थियों को पता ही होगा। ये कुछ मोटो रहा दिखाने का हजारीबाग का क्या माहौल है। ये सब काफ़ी दिन से मेहनत भी कर रहे हैं, जब जब भी लाइब्रेरी ओनर हुआ था, ओपन हुआ था, उस टाइम हम भी यहाँ पे एडमिशन लिए थे, उसके बाद आज तक एक ही भी एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं। ऐसा सर कि सरकार के वजह से, क्योंकि यहाँ के एक भी एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भराते हैं एग्ज़ाम लेने का नाम ही नहीं लेते। जैसे देखिएगा एक्साइज पुलिस, जब उसका दौड़ का डेट निकाला गया था तो हम लोग बहुत दौड़े थे, दौड़ दौड़ के मत देखिएगा तो पूरा मालिक साहब ही दौड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस दौड़ का जो डेट था वो टल गया। उसके बाद फिर देखिए अपन झारखंड पुलिस आया, झारखंड पुलिस का सिलेबस देखिए, उसमें फर्स्ट पेपर जो मेरिट के आधार पर उसको नहीं जोड़ा गया है, फिर जब सेकेंड पेपर है उसमें ऊपर से हिंदी और भी डाल दिया गया, जबकि हिंदी एक लैंग्वेज भाषा है ना कि वो GK भाषा है, उसमें 50 नंबर झारखंड के हटा कर उसमें हिंदी डाला गया है, तो काफ़ी देखा जाए तो यहाँ के बच्चे के साथ नाइंसाफी है। भाई चल रहा है पूरा लाइब्रेरी सर, सुबह से तो शाम तक तो लाइब्रेरी फुल है, बस यही देखा जाए मतलब जो शाम के बाद जो 10 बजे के रात तक है ना उसमें थोड़ा सा कुछ खाली, बाकी ठंड का दिन है तो कई लोग घर। चलिए बहुत ही शानदार रिव्यू यहाँ का रहा ये गौतम बुक
एंड एजुकेशन लाइब्रेरी में ये रहा कुछ यहाँ का लाइब्रेरी मतलब रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।